हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिंक फार्मा। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। दिस इज पार्ट वन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कैसे किया गया, क्यों किया गया और क्या रीजंस हैं इसके क्लासिफिकेशन करने के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं, नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हैं। दीज आर हायर प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, मेराइन ऑर्गेनिजम्स। कुछ ड्रग्स जो हैं वो मिलती हैं कहाँ से, मिनरल ओरिजिन की होती हैं। तो मिनरल ओरिजिन की ड्रग्स होती हैं जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ नेचर की हो सकती हैं। तो इंडिविजुअल ड्रग को स्टडी करने के लिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो फर्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज आर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया गया है, ऑफ दियर नेम इन इंग्लिश और लैटिन। देन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया गया बेस्ड ऑन दी टैक्सोनॉमी, यानी कि कौन सी किंगडम में है, कौन से फाइलम में है, कौन सा ऑर्डर है, क्लास है, कौन सी फैमिली है, इसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया। देन क्लासीफिकेशन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है कि विच पार्ट ऑफ द ड्रग इज यूज्ड, इसके हिसाब से किया गया। प्लांट का पार्ट हो, एनिमल का पार्ट हो, कोई भी पार्ट है तो उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेन केमिकल और मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ड्रग। इसके बाद किया गया है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, देन सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो दीज सात तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया है कि क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दियर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। यहाँ पे क्या किया गया है कि क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है, जो कि आते कहाँ से हैं, लैटिन लैंग्वेज में आते हैं या फिर इंग्लिश नाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी फार्माकोपियाज हैं जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था और कौन कौन सी फार्माकोपिया हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। जैसे यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है यूरोपियन फार्माकोपिया, इन्होंने लैटिन यूज़ किया गया। इसके बाद है यूएसपी एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी, तो वहाँ पे इंग्लिश यूज किया गया। देर आर फर्दर एग्जाम्पल्स लाइक, जैसे यहाँ पे है यूरोपियन फार्माकोपिया, तो ये लैटिन में यूज किया गया है। इंडियन फार्माकोपिया जो कि 1955 वाली है, वहाँ पे लैटिन यूज की गई थी, लैटिन लैंग्वेज के अल्फाबेट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया था। देन इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया 1966, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज की गई है। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड ऑन द इंग्लिश। ब्रिटिश फार्माकोपिया को कोडेक्स बीपीसी एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये भी इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे छह फार्माकोपिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें से दो लैटिन में हैं और चार इंग्लिश में हैं। इसी तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। देन एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं ड्रग्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेट A to Z, A to Z के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे नंबर वन पे क्या आता है, अकेसिया, बेंजोइन, सिंकोना, दिल, अर्गोट, फैनल, जेंसियन, हायोसाइमस, एपेका कोहाना, एपिकाक, जलाप, कुर्ची, लिकोराइस, मिंट,
नक्स वोमिका, ओपियम, पोडोफाइलम, कोएसिया, रावोल्फिया, सेन्ना, बसाका, वूल फैट, येलो बीज वैक्स एंड जियो डेरी। तो ये पूरा का पूरा A to Z दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग जो ए जैसे एग्जाम्पल आया, ए से ड्रग लिखनी है आपको, तो आप एकेसिया की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। आपको अगर कोई और ड्रग भी याद आ रही है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट वे में दिया गया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में अल्फाबेट लिख सकते हैं, जैसे ए से कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। जैसे यहाँ पे आ गई एकेसिया, एलो आ जाएगी, ऐसे इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके तो ये अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इसी तरह से किया गया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।